इब्राहिम जी क्या कह रहे हैं ठीक है गाइस आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और गाइस आपने सब्सक्राइब किया है कि आप हमें इतना देखते हैं लेकिन अगर हम थोड़ा सब्सक्राइब भी नहीं करते हमने ना हमें सब्सक्राइब करना तो एक फ्री तो होता है बस एक बटन से दबाना होता है ना और हमारे 2000 ना होने में बस थोड़ी सी देर आ गई है अगर 2000 हो गए ना तो हम ना 1 डालते हैं ना 1 या 2 तो हम ना एक बना के ज्यादा 3 डालने की कोशिश करेंगे 3 से ज्यादा क्योंकि आप देखिए ना फिर स्टडीज में तो ईद की छुट्टियां थी प्राइवेट स्टडीज हमारी है साथ से फिर आपने रिएक्शन हमने करना होगा तो इसलिए अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेट होंगे हम सारे तो खुशी खुशी और ये 2 दिनों में अगर आपने ना कह दी है ना 2000 तक चले एक दिन में करने आगे हो जाएगी कर लेंगे अगर होगा नहीं तो हम ना कोशिश करेंगे कि 3 क्योंकि चलो 3 हो जाए यहाँ पे ज्यादा ही हो जाएंगे 2 से ज्यादा ही हम डालेंगे क्योंकि ये इतना बड़ा है और हमारे पास इतना ज्यादा वो क्या कहते होते हैं कंटेंट है सही बात है इतना कंटेंट है ना कि हम तो रोज कितनी वीडियोस भी लगा सकते हैं ठीक है ना अच्छा जी हमारी अभी फिर रिक्वेस्ट थी जी दिल्ली की तो हमने कहा दिल्ली बेस्ट मोमेंट्स कुछ स्पेशल देखते हैं दिल्ली में क्या क्या है ठीक है एक वीडियो पहले दिल्ली की बना चुके हैं लेकिन ये जरा स्पेशल भी देखना ठीक है बेटे कि तो गाइस देखते हैं ये दिल्ली में इसके मोनुमेंट्स हम देखते हैं कि कैसी मोनुमेंट्स है और बाकी हमें थोड़ा ये दिल्ली में मिल जाए तो वो भी देख लेंगे जी और गाइस हमें रिएक्शन ना पता है क्यों अच्छा लगता है क्योंकि हम ना घर बैठे बैठे ना ये तो पूरा इंडिया विजिट कर लेते हैं क्योंकि बेटे हमारी और इनकी हिस्ट्री इंडिया की आपको पता है सेम ही है हमारी किताबों में जो होता है ना वो उस हमें जब हम ये देखते हैं ना वो कंफर्म हो जाता है कि वो यहीं पे होता है जैसे सब कुछ हमारी बुक्स में स्टोरीज होती हैं जी अब हम दिल्ली के चलते जब पढ़ेंगे तो उसमें कितना ये पिक्चर और ये सारा कुछ बताया जाएगा ना बेटे कितना फायदा है हमारे लिए स्टडीज की स्टडीज इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन मिलती है और एंजॉय ऐसे कर लेते हैं सैर हमारी जी चलिए जी ठीक हो गया और अब हम चलते हैं जब वीडियो की स्टार्ट करते हैं जी तो गाइस अभी शुरू कर देंगे तो आपके लाइक वीडियो और ये वीडियो अच्छी लगी तो आप एंड तक जरूर देखिएगा और चलिए शुरू करते हैं और सो आज हम ना फिर एक बार रिक्वेस्ट कर देते हैं ऐसे में बाइक स्टूडियो देखते हैं बेटे तो उसके अंदर ना हमारे वो जो सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया होता ना वो ज्यादा वॉच कर रहे हैं तो गाइस तो बस You can take a thumbnail like this, but you're hiding it. I'm hiding it. Yeah. No, now you're hiding it even more. Okay, then how? You're hiding it equally. Okay, I'll be. Yeah, like that, like that. Second time here. It is my second time here. My third time. Yeah, actually, मेरे को दिल्ली में सबसे अच्छी अट्रैक्शन यही लगती है क्योंकि इसके आसपास इतना जबरदस्त गार्डन है अपने आप में भी ये एक ताजमहल के लेवल की अट्रैक्शन लगती है मुझे. There are goats. Where are they coming from? I thought it was dogs at first. सबसे पहले यहाँ पर है ईजा खान का टूम. ये एक्चुअली में शेर शाह सूरी डायनेस्टी से है. ये भी दिखने में अपने आप में ही एक जबरदस्त मॉन्यूमेंट है. अलग से होता तो भी बहुत पॉपुलर होता है. मुझे याद है इसके ऊपर भी जा सकते हैं. यही कहीं से रास्ता था. नो दे कुड नॉट हैव क्लोज्ड इट. आई थिंक इट्स फ्रॉम डाउन देयर. ओह देयर इज सम बुश ऑन देयर. दे ब्लॉक द वे एक्चुअली. पता नहीं ब्लॉक क्यों कर दिया है. हम पिछली बार आए थे यहीं से ऊपर चढ़े थे. दीवार के ऊपर चढ़ने में बड़ा मजा आता है.
आपका नाम क्या है? माय नेम इज रमन। रमन, रमन ने मुझे देखा और कहता है कि मैं ध्रुव राठी जैसा दिखता हूँ एक्चुअली में। शक्ल मेरी काफी मिलती है, मुझे भी लगता है। यू आल्सो थिंक सो? नहीं, आई थिंक यू लुक लाइक दिस ध्रुव राठी। शांति वाला माहौल है यहाँ पर, देख रहे हो कितना पीसफुल है। सिर्फ चिड़ियों की आवाज आ रही है और कोई भीड़ भी नहीं है यहाँ पर, इसलिए भी मुझे ये जगह बहुत पसंद आती है। बहुत ही बढ़िया गार्डन्स है। That's a lot of tombs. Wow. ईज़ा खान का टूम करीब 20 साल पुराना है हुमायूंस टूम के कंपैरिजन। जिस तरीके से उसकी रिस्टोरेशन कर रखी है, उस तरीके से इसकी रिस्टोरेशन नहीं कर रखी। हो सकता है इतने पैसे ना हो या फिर कि जो ओरिजिनल टच है उसे लूज ना करना चाह रहे हो, तो इसी तरीके से इसको रिस्टोर किया है कि थोड़ा पुराना भी लगे। Can you imagine that this door is 500 years old? I can. Yeah. Not sure about these chains though. The grass has enough water. I think it's being watered enough. No, a bit more, just a bit. A bit more. What a unique bird. It's cute. Yeah. डाइवर्सिटी है यहाँ पर, जिस तरीके के प्लांट्स और बर्ड्स और एनिमल्स दिखते हैं। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नंबर 73 दैट वी आर विजिट। बिकॉज ताजमहल इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस। रियली? या क्या नज़ारा है, स्पेशली सनसेट के टाइम पे। यहाँ पर पूरी ऐसी फीलिंग आ जाती है कि मुगलों के टाइम में जैसा लगता होगा ना। हेलो, You didn't reply me since 2017. Oh, wow. I have keep on texting you. अरे यार इतना भी मत किया कर। It's a pleasure to meet you. चलती होटल ब्लॉग में थी, आने आ जाओगे तो ठीक है, चलता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नुमान अहमद। नुमान, ओके। हम आपको 17 से देख रहे हैं, 16 से जब आपने पहली वीडियो बनाई थी तब से हम लोग आपको देखते आ रहे हैं। Mind is beautiful, but it's impossible to keep going. No. हम जब 2019 में आए थे यहाँ पर, हमने इस पॉइंट पर खड़े होके एक बहुत ही अच्छी फोटो खींची थी। पूरा हुमायूंस टूम आया था, तो ये फोटो हम रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये वो फोटो है और एग्जैक्टली इसी पॉइंट से ली गई है। It was more empty for some reason. It was 2019. Yeah. अटेम्प्ट नंबर 365, वहाँ पर कैमरा रख दिया है और यहाँ पर गोल घूमना है। दीज रेलिंग्स आर सो टाइनी, मेरे घुटनों से भी नीचे आ रही हैं ये रेलिंग्स। यानी उस जमाने में जो बच्चे होते होंगे उन्हें बड़ा ख्याल रखना पड़ता होगा। चिल्ड्रन ऑफ द किंग्स एंड क्वींस, दे शुड नॉट बी अराउंड टू लॉयटर हियर, अदरवाइज दे विल जस्ट फॉल डाउन, यू नो। एवरीवन टेक्स फोटोज फ्रॉम द फ्रंट, बट हियर दिस इज अ रियली गुड फोटो स्पॉट। एवरीवन इज हियर, व्हिच इज गुड, बट देयर इज अ लॉट ऑफ पीपल देयर। कहाँ से आप लोग? दिल्ली से। सबसे बढ़िया मॉन्यूमेंट कौन सा लगा दिल्ली में? मेरा तो यही है, हुमायूं टूम। हुमायूं टूम आपका फेवरेट? आप लोगों का शर्मा रहे हो वीडियो पे आगे। ये कोई क्विज नहीं चल रहा है, आराम से बता सकते। अच्छा, न्यू हो दिल्ली में? अच्छा ठीक है। तो आपका नाम क्या है? आर्यन। आर्यन, आपकी राय में फेवरेट मॉन्यूमेंट कौन सा है दिल्ली का? दिल्ली का हुमायूं टॉम। वो तो अभी आए हो इसलिए बोल रहे हो। नहीं, मेरे को वही पसंद है। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। अच्छा, एंड शी हैज मेड मी फॉन्ड ऑफ मुगल आर्किटेक्चर नाउ, सो मुगल आर्किटेक्चर इज द बेस्ट। इट इज द बेस्ट।
देख लो कैमरे पे क्या बोल रहे हो फिर बाद में कुछ ना हो जाए. नहीं नहीं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सही में. या व्हाट्स योर ओपिनियन एक्चुअली. आई लाइक रेड फूड बेटर. आई एम अ हिस्ट्री स्टूडेंट सो अच्छा आई रोम एवरीवेयर. पूरे इंडिया में कौन सा बेस्ट लगता है? मे बी ताजमहल बिकॉज़ आई हैव नॉट बीन टू मेनी. अच्छा दिल्ली के अंदर सबसे अच्छी चीज घूमने की जामा मस्जिद है. जामा मस्जिद है. जामा मस्जिद. अच्छा और दूसरा इंडिया गेट. मेरा बेस्ट वीडियो कौन सा लगा? बेस्ट वीडियो आपका जो ब्लॉग देते हैं ना. अच्छा ब्लॉग आपको कौन सा एक वीडियो बता जो बेस्ट लगा? बहुत सारे वीडियो हैं. नहीं नहीं एक का नाम लो. एक का नाम ऐसे नहीं तो पता लग जाएगा आप देखते नहीं हो फिर. It's getting extremely tiring to just stop to take all the photos. So these two nice people just met us, but we were a bit awkward. But they said my humor is everything. But after meeting us right now, they're gonna be like, they're so lame in real life. Of course, like any other people. लोगों को मिलकर लगता है पता नहीं मैं कौन हूँ बहुत महान आदमी हूँ लेकिन जैसे बाकी लोग होते हैं वैसे ही हूँ भाई. I'm surprised that you can tell so many people no when they ask. If you're you, yeah, and half of them will believe it. That's true. Excuse me, are you true, Raddy? No. I look. Many people say I look like him, but I'm not. So I was gonna say that there are so many people, and everyone just wants to take one selfie, but it's so many people who want to take one selfie. Mr. Popular. just kidding. You know the special thing about these jalis, you can look inside to outside, but the outside people can't really look that nicely inside. It's a nice privacy mechanism for the olden times. एक्चुअली मैं अगर आप जानते नहीं है हुमायूं टूम के अंदर एक्चुअली में बहुत से लोगों की टूम्स हैं सिर्फ हुमायूं की नहीं है. और ये हुमायूं टूम एक्चुअली में अकबर के समय में बनाई गई थी. ये जालियां नोटिस करोगे तो हर तरह की जाली पर अलग पैटर्न लगा है. ये बड़ी वाली पर इस तरह का है जो इधर है लेकिन ये छोटी वाली पर सर्कुलर टाइप का है. इसके ऊपर छोटे सर्कल्स हैं वहाँ पर व्हील टाइप का पैटर्न लगा हुआ है. हर जगह हर साइज जैसे चेंज हो रहा है उसके हिसाब से पैटर्न अलग अलग है लेकिन जो सेम साइज की विंडो है उस पर पैटर्न सेम है. ये वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स है जो यहाँ से दिखता है. इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है. कुआ बहुत ही गहरा है. लगता है किसी ने सिक्के गिरा रखे हैं नीचे. मुझे थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए फोन ना गिर जाए. एक्चुअली में एक शाम की भी टिकट ले सकते हैं हम यहाँ आने के लिए जिसमें हम हुमायूं टूम को मूनलाइट में देख सकते हैं लेकिन वो करीब 2 घंटे बाद की है. अभी कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं. उसके लिए अलग से टिकट लेनी पड़ेगी. ये हुमायूं टूम की अर्लीस्ट टेकन फोटोग्राफ 1849 में ली गई थी और इसकी हालत अभी बहुत बेहतर हो चुकी है रिस्टोर करने के बाद. नहीं तो ये सब बैल्कनी टूटी हुई थी. छत भी देख सकते हो इसकी हालत बहुत खराब थी. उसके बाद ब्रिटिश ने एक्चुअली में इसे रेनोवेट किया 1864 में और उसके बाद काफी अच्छा लग रहा है. हुमायूं का टोम सब जानते हैं दिल्ली में है लेकिन क्या आप जानते हैं बाबर का जो टोम है? बाबर का टोम एक्चुअली में अफगानिस्तान काबुल में और जहांगीर का लाहौर में है. यहाँ पर बंद करने लग रहे हैं तो हम आखिरी लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं. हमारे सामने और सब लोग जा चुके हैं छोड़ के. अब बंद कर रहे हैं पीछे. थोड़ा जल्दी आना चाहिए था एक्चुअली में. लेट हो गए. This is another really good photo that we took last time with you. Oh, look at this. I took that photo. You took it and the bird looks so fake but it's real. And that's you? That's me. We can zoom in a little bit. True, it is you. Okay, that's enough zooming. That is enough zooming.
नंबर 5 पे एक बार्बर स्टूम भी था, ये पता नहीं क्या, ये बाबर की बात नहीं कर रहे, बार्बर की बात कर रहे हैं, तो शायद से हुमायूं का बार्बर जो बाल काटता था उसके। हमने देखा बाहर सड़कों पर ट्रैफिक बहुत हो रहा है, तो हमने सोचा रात की टिकट भी खरीद लेते हैं और रात में भी देख ही डालते हैं कैसा दिखता है। आप लोग यकीन नहीं करोगे कितनी की है फॉरेनर वाली टिकट, इंडियन के लिए 35 रुपए और फॉरेनर के लिए 550 रुपीज, इतना फर्क है, 10 गुने से भी ज्यादा है। तो वाओ व्हाट अ डेकोरेशन, बट आई थिंक दैट विल लुक एपिक नाउ। यहाँ बाहर गार्ड ने हमें बताया कि बहुत कम लोग आते हैं एक्चुअली में हुमायूं टूम को रात में देखने, और स्पेशली समर्स के समय में, और यकीन नहीं करोगे हमारे अलावा सिर्फ एक और लोगों का ग्रुप आया जो हमने एंटर होते हुए देखा, नहीं तो और कोई भी नहीं है इस इतनी बड़ी साइट पर, कोई भी नहीं है। और इट साउंड्स सो क्रीपी, इट साउंड्स, सिर्फ कुत्तों के हाउलिंग की आवाज आ रही है यहाँ पर और कुछ बिजलियां चमक रही हैं। हम उधर तक नहीं जा सकते चल के, इसके इधर से इधर उधर भी नहीं, ईजा वाली टोम में भी नहीं जा सकते, नहीं वहाँ भी नहीं जा सकते, बस स्ट्रेट है और ऐसे ही है। मून लाइट का ये इफेक्ट दे रखा है यहाँ पर, ऐसा लगता है कि मून से लाइट आ रही हो ऊपर से और इसे चमका रही हो। एक्चुअली मुझे अब समझ में आया कि लोग क्यों नहीं आते, क्योंकि सेम प्राइस पर हम जाकर देख सकते हैं लेकिन वहाँ घूम नहीं सकते, मतलब जाकर बस पास भी नहीं जा सकते एक्चुअली में, दूर से ही देख सकते हैं और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में वापस चले जाओ, तो ज्यादा कुछ है ही नहीं रात में देखने का। यहाँ पर कुछ घास में है जो चमके जा रहा है, देख रहे हो ये, इट कम्स, यू कैन सी द लाइट्स कमिंग ऑन एंड ऑफ, ऐसा लग रहा है लाइट कोई ऑन ऑफ करो, लेकिन ये ब्लिंकिंग डॉट्स जो दिख रही हैं, हमें शक है कि ये ग्लो वॉर्म्स हैं या फायर फ्लाइज, दे आर एवरीवेयर एक्चुअली, दे आर नियर टू द ट्री, शुड वी गो नियर, दिस प्लेस हैज अ लॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ओह माय गॉड कम हियर, दिस सीम क्रेजी। आपको कैमरे पे भी दिख रहा होगा कि क्या कमाल की चीज है एक्चुअली, जस्ट Where is it? They are here. Just for this, it's worth coming in the night. Just for this firefly light show. I think they're definitely fireflies. And some are coming really close to us that I can almost have them on my hands. मुझे जब ये देखते हैं ना, तो ये हमारे जो लाहौर में हिस्टोरिकल प्लेसेस है ना, हमारे जो मॉन्यूमेंट है जैसे यहाँ पे जहांगीर का मकबरा, जहांगीर टॉम है यहाँ पे मैंने देखा हुआ है, और वो नूर जहां मलिका रही है उनका मकबरा भी यहाँ पे, सब हमारे भी हिस्टोरिकल है ना, ये इंडिपेंडेंस से रिलेटेड। जब बेटे छोटे थे ना हम लोग, तो आए थे काफी दिन पहले लाहौर आए हुए,
अभी तो माशाल्लाह हम यहीं पे स्टे है ना हमारा मतलब, तो यहाँ तब उस टाइम एक बार स्कूल के ट्रिप के साथ भी हम लोग थे यहाँ पे, तो हमने उस टाइम ये सारे टॉम यहाँ पे जहाँ गीता मथुरा देखा, फिर जहाँ का हम जाग भी याद है, फिर यहाँ पे शालीमार बाग है जो जिन्होंने अभी विजिट किया होगा ना लाहौर उनको सब पता है, तो यहाँ के हिस्टोरिकल प्लेसेस ही देखने हम आए थे। एक अजीब सा वो मुझे इसको देख के मुझे वो टाइम याद आ गया, बिल्कुल ऐसी जुगनू भी थे, सही बात है, नहीं सही है, ऐसे ही है इन जगह पे होते हैं, तो हमारे टाइम पे भी बिल्कुल वो गाइस मुझे तो 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग दूंगा। गाइस ये बिल्डिंग मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, अच्छी लगी है बस ये है दिल्ली में एक अब मॉन्यूमेंट्स की बात की जाए जो कि प्लेसेस की जिनको पसंद है गाइस हम ना बेस्ट नहीं कह सकते मॉन्यूमेंट क्योंकि हमने मॉन्यूमेंट देखे ही नहीं है, पता क्या है अभी हमने दिल्ली के मॉन्यूमेंट्स हम नहीं देखे, मॉन्यूमेंट्स भी देखे, ताजमहल भी देखा होगा, तो अब हमने चेन्नई भी देखा होगा, ये तो अब पता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, सही बोला मॉन्यूमेंट और हिस्टोरिकल चीज देखेंगे और जिन्होंने वीडियो बनाई है बड़ी सिंपल बहुत मजे की हंसी मजाक कर रही है फिर रहे हैं रिलैक्सिंग, बड़ी अच्छी वीडियो बहुत मजा आया हमें, अभी हमें ये खत्म हो गई एकदम से ना चले लेकिन आपके लिए इसका टू बी कंटिन्यूड है तो मैं देख के बहुत सभी रहे मेरे जहन में बैठे कि वो ना अब आप हम और मोमेंट्स देखेंगे जी ताकि पता चले कि ये तो मोमेंट देख लेंगे और भी है तो वो नहीं के बहुत अच्छे लगते हैं या नहीं उम्मीद है कि ना ये हमें अगले जो इसके मॉन्यूमेंट्स होंगे वो भी बहुत ही अच्छे लगेंगे, इंडिया की हमें ना हर चीज अच्छी लगती है क्योंकि वो डेवलप सिटी है, सिटीज उसकी और वो बहुत भी डेवलप कंट्री है जी, हो भी रहा है वो है और ना सबसे ज्यादा हमें वो दोबारा कहना पड़े सबसे ज्यादा इसकी भी अच्छे लगते हैं क्योंकि लिंक लगता है ना कि हमारा और उनका सेम जी अपना और मुझे अपना बचपन याद आ गया देख में याद रही तू सारा वो सारी स्त्री याद है चले जी उम्मीद है मुझे भी आपको ये हमारी एक थोड़ी सी मतलब तो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट आपसे करनी है और गाइस आपको अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो में ज्यादा से लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स करने हैं और जो कमेंट्स करके हम आपके लिए इसके और भी लाएंगे और बल्कि हम तो आपके लिए ना सही मॉन्यूमेंट्स भी लाएंगे जो हमें सपोर्ट करे उनके लिए थैंक यू जो कमेंट्स करे उनका भी शुक्रिया अगर आपने ना 50 लाइक्स किए ना तो फिर हम ना मॉन्यूमेंट्स लेके आएंगे 10 और सब्सक्राइबर्स भी आप आपने सब्सक्राइब करने और कमेंट्स भी आपने ज्यादा करने हैं जी और गाइस अपना बहुत ख्याल रखिएगा टेक केयर आई लव यू आई लव यू आई लव यू